ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमो ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता रानी। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है और नवरात्रि के 5वें दिन दुर्गा सप्तशती के 9वें और 10वें अध्याय का पाठ किया जाता है। तो आज मैं आपको नवरात्रि के 9वें और 10वें अध्याय की कथा सुनाऊंगी। तो सबसे पहले 9वें अध्याय का श्रवण कीजिए। 9वें अध्याय में निशुंभ के वध का वर्णन किया गया है। राजा ने कहा कि हे भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया है। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत ही क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो जो कार्य किए, अब मैं उसे सुनना चाहता हूँ। तब महर्षि कहते हैं कि हे राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा नहीं रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देखकर निशुंभ एमर्ष में भरकर देवी की ओर दौड़ पड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो कि क्रोध से ओट चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आ रहे थे। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करके क्रोध के वश चंडिका को मारने के लिए वहां पर आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की ही भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत ही काट डाला और शस्त्र समूह की वर्षा करके उन दोनों दैत्यपतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमचमाती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने क्षुरप्र नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े थे, उसको खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से भी उस शक्ति के 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने उसके समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते हुए देख देवी ने उसे बाण समूहों से घायल कर दिया और धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा ही क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते हुए देखकर देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत ही दुस्सह्य शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो कि समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण ही दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े हाथियों का महान मद दूर हो जाता है, आकाश पाताल और 10ों दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा भारी क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मा, खड़ा रहे खड़ा रहे, तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो जय हो। शुंभ ने वहां पर आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत ही भयानक शक्ति चलाई। अग्नि में पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लुक्के से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गुंजायमान हो उठे। हे राजन, उसकी प्रतिध्वनि से
वज्रपात के समान भयंकर शब्द हुआ जिसने अन्य सभी शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों को देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों को शुंभ ने अपने भयंकर बाणों के द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़ों में बांट दिया। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी, काली तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्र के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े ही वेग से दौड़ पड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देखकर चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह ऐसा कहता हुआ बाहर निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठट्टाकर हंस पड़ी और खड़ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा। यह दृश्य बड़ा ही भयंकर था। उधर काली ने तथा शिवदूती ने भी अन्यान्य दैत्यों का भक्षण आरंभ कर दिया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न होकर धराशाही हो गए। वाराही के थुथुन के आघातों से कितनों का ही कुचुम्बर निकल गया और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ऐंद्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली, शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। 9वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अब आप सुनिए 10वां अध्याय। 10वें अध्याय में शुंभ के वध का वर्णन किया गया है। महर्षि कहते हैं कि हे राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देखकर तथा सारी ही सेना का संहार होता जानकर शुंभ ने क्रोधित होकर कहा कि दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड मत दिखा। तू बड़ी मानिनी बनी हुई है, किंतु तू स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। तब देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ इस संसार में, मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये सभी मेरी ही विभूतियाँ है, अतः ये सभी मुझ में ही प्रवेश कर रही है। तदंतर ब्रह्माणी आदि समस्त देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। तब देवी बोली कि मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। अब उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेली ही मैं युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। आगे महर्षि कहते हैं कि उसके बाद देवी और शुंभ दोनों में सभी देवताओं तथा दानवों के देखते ही देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा ही भयंकर प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारण अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण मात्र से ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल
और तलवार हाथ में ली, उस समय देवी पर धावा बोल दिया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों के द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवार को तुरंत ही काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था, अब उसने अंबिका को मारने के लिए तैयार हो भयंकर मुदगर को हाथों में ले लिया। उसे आते हुए देखकर देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुदगर भी काट डाला, जिस पर भी वह असुर मुक्का तानकर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा, तब उन देवी ने भी उसकी छाती में एक चांटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा ही पूर्ववत उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका का आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध होने लगा। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और फिर मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के बाद उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़े ही वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती को भेदकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कंपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। उसके बाद उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण ही जगत प्रसन्न एवं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे, सहसा ही वे सभी शांत हो गए। उस दैत्य के मारे जाने पर नदियाँ भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय भी हर्ष से भर गया और गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे, दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई, अग्निशाला की बुझी हुई अग्नि अपने आप ही प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। ओम नमः चंडी के। ये थी आज की कथा, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जय माँ दुर्गा।